वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो पॉलिसी से गाइडलाइन से यूट्यूब की वो इंग्लिश में लिखी हुई थी, पूरी इंग्लिश में लिखी हुई थी, और ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं समझता है और थोड़ा बहुत पढ़ के वो छोड़ देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब की पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस हिंदी में बताने वाला हूँ। ये वीडियो एक ट्यूटोरियल टाइप में, एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाली। अगर आप चाहते हो आपके वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम ना आए, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आए, वार्निंग ना आए, आपको पता चले एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियोस केस क्या होता है और मेड फॉर किड क्या होता है, आपका चैनल का मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये एकदम नॉलेजेबल होने वाला है, एकदम थ्योरी होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखना, अदरवाइज प्लीज़ मत देखना, ये वीडियो आपके लिए नहीं है अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो। पर मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप ये वीडियो एक बार देखोगे ना, तो फ्यूचर में आपके चैनल पे कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आएगा। आप टोटली समझ जाओगे, आपको बार बार यूट्यूब की पॉलिसीज और गाइडलाइंस रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे सब इंग्लिश में दिया है, मैं यहाँ पर आपको टोटली हिंदी में बताने वाला हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल वे में। मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं स्क्रीन पर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। YouTube क्रिएटर Academy से ये मैंने YouTube पॉलिसीज और गाइडलाइंस शॉर्ट करके एक प्रेजेंटेशन बनाया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कम्युनिटी गाइडलाइंस टाइप। Anyone who interact with YouTube need to follow our community guidelines. These are common sense rules that helps make sure YouTube is the best place to listen, share and create community. They outline the types of contents allowed on YouTube. The rules prohibited things like spam or harassment and much more. YouTube क्या कहता है? जब भी आप YouTube के साथ जुड़ना चाहते हो, आप YouTube के साथ काम करना चाहते हो, आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। वो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक में क्या आता है, जैसे स्पैम और हरेसमेंट्स और ऐसे बहुत कुछ आते हैं, तो आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेगा, ऐसा YouTube बोल रहा है। और क्या बोलता है देखो, इफ़ यू फाइंड दैट योर कंटेंट डजंट फॉलो अवर कम्युनिटी गाइडलाइन यू विल रिसीव अ वार्निंग द नेक्स्ट टाइम योर कंटेंट इज फाउंड टू द वायोलेशन पॉलिसीज यू विल रिसीव अ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अगर आपके वीडियो में उसको वायोलेशन दिखेगा तो आपको पहली बार वो वार्निंग देगा, अगर दूसरी बार दिखेगा तो आपके चैनल पे वो स्ट्राइक मारेगा, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मारेगा। अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मारा तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। इफ़ आफ्टर द वार्निंग यू गेट वन स्ट्राइक, ओके, दैट यू वॉन्ट बी एबल टू पोस्ट एनीथिंग। अगर आपको पहला स्ट्राइक मिला तो आपको वीडियो, लाइव स्ट्रीम, स्टोरीज, कस्टम थंबनेल्स, प्लेलिस्ट एंड पोस्ट आप सेंड नहीं कर सकते हो एक हफ्ते के लिए। यू गेट अ सेकेंड स्ट्राइक, अगर आपको दूसरा स्ट्राइक मिला देन यू वॉन्ट बी एबल टू पोस्ट एनीथिंग, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम, स्टोरीज, कस्टम थंबनेल, प्लेलिस्ट एंड पोस्ट, दो हफ्ते के लिए आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते चैनल पे। अगर आपको थर्ड स्ट्राइक मिला, यू गेट थ्री स्ट्राइक, योर चैनल विल बी टर्मिनेट, मतलब आपका चैनल बंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इफ यू रिसीव अ स्ट्राइक मेक श्योर टू रिव्यू द रीजन व्हाई एंड लर्न इन द पॉलिसी सेंटर सो दैट इट डजंट हैपन। अगर आप स्ट्राइक आपको मिला तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्राइक क्यों आया, और आपको सीखना चाहिए पॉलिसी सेंटर में जाके। पर आपको अभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। ओके, तो ऐसे YouTube बोल रहा है, इफ़ यू थिंक दैट योर कंटेंट डजंट वायोलेट आवर कम्युनिटी गाइडलाइन यू कैन अपील द एक्शन। अगर आपको लगता है आपका वीडियो वायोलेशन में नहीं आ रहा है तो आपको आप अपील कर सकते हो, वहाँ पे अपील का भी ऑप्शन होता है। तो YouTube अगर आप अपील करोगे तो YouTube उसको रिव्यू करेगा और आपका वीडियो आपको फिर से लौटा देगा। ओके, नेक्स्ट हुआ कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? You should only upload contents including music, videos and artwork that you created or that you are authorized to use. Copyright क्या बोलता है? आपको वही वीडियो अपलोड करना चाहिए जो आपने खुद मेहनत से बनाया और जो कॉपीराइट फ्री हो, जैसे म्यूजिक, वीडियो, आर्टवर्क वो खुद से मेहनत से बनाया और जहाँ पे फ्री हो और आपको ऑथोराइज हो यूज़ करना, वही कंटेंट आपको यूज़ करना है। अगर आपने वो यूज़ नहीं किया, अदरवाइज दिस कुड रिजल्ट इन कॉपीराइट वायोलेशन, तो वो कॉपीराइट वायोलेशन में आएगा। और क्या कहता है? इफ़ यू सी समवन सेल्स कंटेंट ऑन यूट्यूब चैनल्स तो कॉपीराइट ओनर कैन सबमिट टेकडाउन रिक्वेस्ट।
अगर आपके वीडियो में किसी का कंटेंट दिखा तो जो कॉपीराइट ओनर होगा ना, जिसका आपने यूज़ किया, वो एक आपको कॉपीराइट क्लेम देगा। इफ़ द रिक्वेस्ट इज़ वैलिड, योर वीडियो विल बी रिमूव्ड फ्रॉम यूट्यूब एंड यू विल गेट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर वो रीज़न वो ओनर का वैलिड हुआ तो यूट्यूब आपके चैनल से वो वीडियो डिलीट कर देगा। ओके, यू कैन वेट फॉर कॉपीराइट स्ट्राइक, सीक रिट्रैक्शंस और सबमिट अ काउंटर नोटिफिकेशन। इफ यू गेट 3 स्ट्राइक, यूअर चैनल इज सब्जेक्टेड टू टर्मिनेट। आपका वीडियो रिमूव करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव नहीं होता है पूरी तरीके से। और अगर आपको तीसरा स्ट्राइक आया तो आपको पता है चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अल्टरनेटिवली, इफ यू अपलोड वीडियोस दैट कंटेंट्स कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल, यू कुड एंड अप विद कंटेंट आईडी क्लेम इश्यू बाय द पार्टी हु ओन्स द म्यूजिक, मूवीज, टीवी, वीडियो गेम्स और अदर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल। अगर आपने जो भी वीडियो अपलोड किया वहाँ पे उसको कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल दिखा, मतलब आपने किसी का वीडियो चुराया, किसी का टीवी शोज, वीडियो गेम्स, किसी का उठा के डाला, अगर वो मिला तो क्या अ कंटेंट आईडी क्लेम में रिजल्ट टेक डाउन, लॉस रिवेन्यू डिपेंडिंग ऑन द एक्शन स्पेसिफाइड बाय द कॉपीराइट ओनर, बट यू कैन डिस्प्यूट क्लेम्स यू बिलीव इन इज रॉन्ग। जो भी आपने वीडियो उठाया, किसी का टीवी सीरियल्स, किसी का सॉन्ग, मतलब किसी का भी चुराया, YouTube उसको रिव्यू मतलब देखेगा, और जो भी आप वो वीडियो से आप कमाओगे ना, तो वो सीधा कमाई आपको नहीं मिलेगा, वो कॉपीराइट ओनर को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी का वीडियो चुराया और अपने चैनल पे डाला और वीडियो बहुत चला, वो जो भी वो वीडियो से कमाई आ रही है ना, वो मुझे नहीं मिलेगी, जिसका वीडियो उसको मिलेगी, कॉपीराइट ओनर को मिलेगी। ओके, बट यू कैन डिस्प्यूट अ क्लेम यू बिलीव इज रॉन्ग। अगर आपको लगता है गलत है तो आप डिस्प्यूट कर सकते हो उसको, मतलब। If another channel upload your content without your permission, you may file a copyright claims via our web form. अगर आपका वीडियो किसी ने उसके प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया आपके परमिशन के बिना, तो आप उस पर कॉपीराइट क्लेम लगा सकते हो वेब फॉर्म के जरिए, via our web form, ऐसा लिखा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट। एज रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट्स क्या होते हैं? इन सम केसेस A video doesn't violate our policy, but it may not be appropriate for all audience. Videos, YouTube क्या बोलता है, जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं वो उनके पॉलिसीज में ये मतलब वायलेंट नहीं करता है, मतलब उनको उसके उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, पर वो ऑल ऑडियंस है ना, जो दूसरे ऑडियंस है जो वीडियोज देखते हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या है? सो YouTube's review team may place age restricted on videos. तो ऐसे कोई वीडियो हो गए ना, तो आपको एज रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन दिया होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड हुआ तो वो एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियोस क्या होते हैं? सो वल्गर लैंग्वेज, वायलेशन, डिस्टर्बिंग इमेजिनरी, न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी सजेशंस, पोर्ट्रेल ऑफ हार्मफुल डेंजरस आर्टिकल, जो गाली देते हैं, वल्गर लैंग्वेज यूज करते हैं, सेक्सुअल चीजें वीडियो दिखाते हैं, बातें करते हैं, वैसे हार्मफुल चीज़ें बनाते हैं, जो सामने वाला देख के वो घर पे अप्लाई करता है और उसके लिए वो डेंजर है, वो चीज़ें होती है एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियो। अगर आप ऐसे वीडियो बनाते हो तो आपको ऑप्शन दिया जाता है एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियो और नॉन एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियो, तो ये एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियोस में आता है जो अभी मैंने इस पर आपको बताया, तो आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियो aren't eligible फॉर monetization एंड aren't shown टू यूजर्स अंडर 18। अगर आपका वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड हुआ तो monetization के लिए इलिजिबल नहीं होगा, और वो 18 के नीचे के बच्चे लोग वो वीडियो नहीं देख सकते आपका, ये बोलना चाहता हूँ मैं। इफ़ यू बिलीव योर वीडियो वॉज एज रेस्ट्रिक्टेड इन एरर, यू कैन अपील। अगर आपको लगता है आपने एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियो ऐसा डाला है और वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, तो आप उसको अपील कर सकते हो। ओके, या आपको कोई गलत ये इन्फॉर्मेशन आया, अगर आपका वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड नहीं फिर भी ऐसा आया आपको, आपका वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड है ऐसा लगता है उन लोग से गलती हुई, तो आप उस पर अपील कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। मोनिटाइजेशन रिलेटेड पॉलिसीज, मोनिटाइजेशन रिलेटेड पॉलिसीज क्या है ये जानते हैं अभी। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम लेट्स यू अर्न मनी फ्रॉम एड्स सर्व्स ऑन यूट्यूब वीडियोस एंड फ्रॉम यूट्यूब प्रीमियम मेंबर वॉचिंग योर कंटेंट, योर चैनल मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल। यूट्यूब है ना, आपको पैसे कमा के देता है, कैसे? आपके वीडियोस पे एड्स चला के, और यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स आपके कंटेंट वॉच करते हैं,
तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसके लिए आपके चैनल पे ऐड आ जाए और आप पैसे कमाओ, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? हैव 4000 वॉच आवर्स इन अ प्रीवियस 12 मंथ्स और वर 1000 सब्सक्राइबर विद इन 12 मंथ, मतलब 12 मंथ्स मतलब एक साल, क्या बोलते हैं प्रीवियस 12 मंथ्स, मतलब पिछले एक साल में आपका 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट विथ YPP पॉलिसी, कंप्लीट विथ YouTube स्पैम पॉलिसी और कम्युनिटी गाइडलाइन, कंप्लीट विथ मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया, वीडियो मस्ट फॉलो एडवर्टाइज फ्रेंडली गाइडलाइन, इफ यू वॉन्ट टू अपलोड कंटेंट दैट डजंट कंप्लीट विथ दिस गाइडलाइन यू शुड टर्न ऑफ एड्स टू द इंडिविजुअल। मतलब कहने का मतलब पूरा ये है, आपका वीडियो तभी मोनेटाइज होगा जब भी आपके वीडियो में कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आएगा, आपका वीडियो यूजर फ्रेंडली होगा, आपका वीडियो वायलेशन में नहीं है, मतलब कोई भी आपके चैनल पे कुछ भी दाग नहीं है, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियो नहीं है, तो ऐसे वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए जल्दी जाते हैं। ओके, अगर इफ यू आर वांट टू अपलोड दिस कंटेंट दैट डजंट कंप्लाई विद दिस गाइडलाइन यू शुड टर्न ऑफ एड्स एंड इंडिविजुअल। अगर आपके वीडियोस में वायलेशन या समथिंग कुछ भी दिखा तो आपके वीडियो से वो एड्स टर्न ऑफ किए जाएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहता था, अगर आप समझे तो वीडियो को लाइक करना भाई। इफ यू शुड ओनली मोनेटाइज कंटेंट इंक्लूडिंग म्यूजिक वीडियोज एंड आर्ट वर्क दैट यू क्रिएटेड और हैव राइट्स टू यूज। ओके, आपको वही डालना पड़ेगा वीडियोस में जो आपने खुद से मेहनत से बनाए, म्यूजिक आर्ट वर्क जो भी मेहनत किया है वो ही वीडियो आपको डालना पड़ेगा, और आपको जो ऑथोराइज मिला कॉपीराइट फ्री या कोई भी किसी ने परमिशन दिया हमारा प्रोडक्ट यूज़ करो तभी यूज़ करने का, अदरवाइज आपका चैनल वो मोनेटाइज नहीं होगा। यही इस वीडियो में मैं कहना चाहता था, मोनेटाइजेशन के लिए आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियो नहीं होना चाहिए, वायलेशन कुछ नहीं होना चाहिए आपके चैनल पे, आपने जो भी किया आपने मेहनत से पूरा वीडियो बनाना चाहिए, 100% देना चाहिए अपने वीडियोस में, कोई भी कॉपीराइट वाला कंटेंट आपके चैनल पे यूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।